मैडम, मैं कोल्हापुर जू से एक बड़ा बॉक्स लाया हूँ। कोई जानवर लाए हो? और मैं तो सिर्फ ट्रक चलाता हूँ। उसे वहाँ पीछे रख दो, वक्त मिला तो देख लूंगी क्या है। वॉल्सकी, कह दो कि इसमें हमारे लिए अलास्का से लाई गई ढेर सारी मछलियाँ हैं। नहीं स्किपर, लगता है इसमें कोई जानवर है, मेरे ख्याल से बंदर जैसा। थक तेरे की यार। रिको, बंदर के इलाके में चलो जल्दी। ये क्या हो रहा है? तुमने कुछ नहीं देखा? ताजी हवा। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कौन हो? लुलु, क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें बताया नहीं मैं आ रही हूँ? नहीं बताया था। सॉरी मैं इस तरह से धमक पड़ी, पर मैं यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ, बस मेरे कोल्हापुर जू वाले हैबिटेट के रिपेयर होने तक। तुम्हारा दोस्त ठीक तो है? ये थोड़ा शर्मीले टाइप का है। फिल सीधे खड़े रहो। फिल, ओ नहीं, अभी आते हैं। खूबसूरत है। ओ फिल, नॉटी बॉय। उसका दिल जीतने में मदद करो। मुझे कुछ नहीं आता, पर शायद। क्या तुम मुझसे सलाह लेने आए हो? मेरे पास कभी कोई सलाह लेने नहीं आता। ये तो जैसे अब समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। ओके ठीक है, तू जल्दी से बताओ। एक बंदरिया है। हाँ हाँ, फिल उसे देखते ही दीवाना हो गया है। ठीक है, हमें जरूरत होगी कैंडल्स, चांदी रात, अकूस्टिक गिटार की, नहीं स्पैनिश गिटार की। ये तो कमाल हो जाएगा। फिर एक बढ़िया सा रोमांटिक डांस करने के बाद तुम उसे दोगे मछलियों का बना हुआ एक गुच्छा, जिस पर कौड़ियों से लिखा हुआ होगा उसका नाम मार्लीन। हाँ, पर उसका नाम है लुलू। हाँ पता है, जो भी हो जैसा बताया करो, काम हो जाएगा। बुरा मत मानना, पर मुझे नहीं लगता एक बंदरिया का दिल ऐसे जीत सकते हैं। हाँ? हमारा नया मिशन है, खामोश बंदर को बंदरिया का दिल जीतने में मदद करो। वॉल्सकी, मुझे इसी वक्त एक एक्शन प्लान चाहिए। ये यहाँ मेरी सलाह लेने आए हैं, इसलिए ये है मेरा मिशन। हाँ, पर शायद तुम भूल रही हो कि जब कुछ जीतने की बात आती है तो वो सिर्फ पेंगुइन्स ही कर सकते हैं। सॉरी मार्लीन, हम ऐसे ही हैं। साथियों, मुझे प्यार वाले ऑप्शंस दो। स्किपर, हमारे खबरियों के मुताबिक औरत के दिल तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, पहले इस तरह यहाँ से काटना होगा। मैंने सुना एक औरत का दिल जीतने के लिए सर्दियों के मौसम में उसके अंडे पर बैठना होता है। ठीक है, तुम और ब्रावो टीम जाकर लुलू का अंडा ले आओ। अरे भाई, पर लुलू पेंगुइन नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैं कह रही थी, कैंडल्स, चांदी रात। मार्लीन प्लीज, ये सारी बेकार की चीजें यहाँ नहीं चलेंगी, ये प्यार है। हमें तो जरूरत है एक अंदर के खबरी की, वो जो हमें उस बंदरिया की पसंद नापसंद बता सके। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है। ठीक है। एक्सक्यूज मी लुलू, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता है। अच्छा, और तुम्हारा ये दोस्त आखिर दिखता कैसा है? अच्छा दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे जैसा। ओह, तुम तो बड़े शर्मीले हो। मेरा जवाब है हाँ, मैं डेट पर जरूर चलूंगी तुम्हारे साथ। ये तो कमाल का। एक मिनट, सॉरी मेरे दोस्त, मैंने तो सब गड़बड़ कर दिया। फिक्र मत करो दोस्त, हम किस दिन काम आएंगे? प्राइवेट ऑप्शंस। हेलो, ऑप्शंस देना मेरा काम है। जहाँ दिल की बात हो वहाँ पर नहीं, ये काम प्राइवेट के अलावा कोई नहीं कर सकता। सच है, मैं समझ नहीं पाता हूँ भावनाएं और जज्बात, और हाँ औरतों को भी। हाँ सही कहा, तुम बताओ प्राइवेट। ठीक है, जरा सोचने दो। चलो भी प्राइवेट, तुम जानते हो क्या सही होगा, चांदनी रात, गिटार, मछलियाँ। सॉरी मार्लीन, पर शायद अगर फिल अपनी मर्दानगी दिखाए तो बात बन सकती है। मर्दानगी? बहुत अच्छे, प्लान अच्छा है। हाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कविताएं, अच्छा खाना और साथ ही बहले भी। ओह मेसन, तुम तो बड़े ही सेंसिटिव हो। अपने हाथ ऊपर करो बंदरों। पर क्यों? बाप रे, ये तो पेंगुइन डाकू है, इनके पास डंडे भी हैं। सही कहा बच्चू, अब डूबने की तैयारी करो या मरो। ओ वाल्सकी, हम डाकू बनकर आए हैं, समुद्री लुटेरे नहीं। सची? अब
सारे केले हमारे हवाले कर दो और हमें यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। इस लल्लू में तो बिल्कुल भी नहीं। ओए रुक जा, मेसन भले ही कमजोर है पर मैं हूँ ब्लैक बेल्ट। अब सब ठीक है, वो गंदे पेंगुइन्स अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे मेरे प्यारे से मीसू। वो तो है पर तुम्हें और कोई ऑप्शंस चाहिए? प्राइवेट, तुम्हारे ऑप्शंस लेकर मुझे और पिटना नहीं है समझे? अब काम आएगा तुम्हारा प्लान। मेरा नहीं, मैं कोल्स्की से कह रहा था। ऑपरेशन प्यार की बौछार, मेसन हमारे टारगेट को एक तय की हुई जगह पर लाएगा जहाँ केले से भरा एक अब मुझे कितनी बार कहना होगा चांदनी रात कैंडल्स, जहाँ एक केले से भरा हुआ भारी बक्सा गिरेगा। मुझे लगा था मैं अपना घर मिस करूंगी पर तुमसे मिलने के बाद मुझे वहाँ का ख्याल ही नहीं आया। अच्छा है मैं जरा भी आता हूँ, तुम यहाँ से हिलना नहीं। वैसे अपनी दाहिनी तरफ हिलो। नहीं नहीं, अपनी दाहिनी तरफ। बढ़िया, मिल गया सिग्नल। रस्सी कट नहीं रही। क्या कर रहे हो, मुझ पर से हटो। ये फिल भी ना, आखिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपने कैलकुलेशंस कॉटन की रस्सी पर किए थे पर इस्तेमाल हुआ नायलॉन। मैंने सब ठीक कर लिया है, अब हम ये फिर से कर सकते हैं या नहीं। साथियों अब वक्त है कुछ कड़े कदम उठाने का। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लव पोशन नंबर 37 की। 37? जानता हूँ इसमें खतरा है पर प्यार वैसा ही होता है। क्या तुम भूल गए प्यार होने के बाद मेरे दो दोस्तों का क्या हाल हो गया था? अपने दिलों के साथ साथ वो अपने किडनी और लिवर भी गंवा बैठे थे। 37? वैसे इसमें डाला क्या है? फ्लेमिंगो का पसीना और लहसुन। कहना तो नहीं चाहता दोस्तों पर शायद फिल और लुलू एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। अब रुको 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 रुको, अब भी तुम सबने एक की सलाह नहीं मानी। हाँ मार्लिन सही कह रही है। ओ तो तुम सब मुझसे रोमांस पर सलाह लेने आए हो? अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। इस बंदरिया को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें उसे चकाचौंध कर देना होगा। मैंने इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स ऐसे ही तो बनाई हैं। कौन सी गर्लफ्रेंड्स? तुम नहीं जानते, वो चिंचपोकली में रहती है पर सच मानो वो एक से बढ़कर एक है। लिपस्टिक पाउडर मेकअप शिकअप करने वाली पर फिर भी परियो जैसी। अच्छा ठीक है, मेरे राज दो शब्दों का है जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, तैयार रहो। नहीं रुको, ये वो दो शब्द नहीं थे और ये दोनों भी नहीं और ये भी नहीं। पर वो दो शब्द बोल क्यों नहीं देते? ओके, रोलर डिस्को। अब किसको? फिर से वही आ गया। वैसे डांस तो अच्छा कर लेता है। शिकार आ रहा है। ये क्या कर रहे हो? कहना तो नहीं चाहता पर लगता है लंबी पूंछ की तरकीब काम कर गई है। ना मुन्ना, रोलर डिस्को के जादू से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ओह फिलिप, मुझे नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक हो। इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ है, अब भी सब कुछ काबू में लाया जा सकता है। अब डॉगीज को छोड़ दिया जाए। यहाँ तो कबूतर छोड़ने को ना। वैसे देखा जाए तो कबूतर छोड़ना बेहतर होता। कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे। लुलू प्लीज बाहर आ जाओ। बिल्कुल नहीं, तुम सब पागल हो। बक्से पर कील ठोक दो, जब तक उसे फिल से प्यार नहीं होता वो अंदर ही रहेगी। नहीं नहीं सुनो सुनो, हम फिल को भी उसके साथ बक्से में डाल देते हैं फिर उस पर कील ठोक देते हैं, फिर उन्हें प्यार हो जाएगा या फिर दम घुट जाएगा। मैं बस अभी आती हूँ, मैंने मछलियों वाला गुच्छा तैयार रखा है। फिल जल्दबाजी मत करो। वो क्या कर रहा है? वो उससे खुद बात करने जा रहा है। अरे बाप रे, हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। अब क्या है लुलू? तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी पर समझ नहीं आ रहा था कि तुमसे कैसे कहूँ कि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी खूबसूरत और कमाल की हो और मैं
मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम्हारी बात। काश कि हम तुम्हारे यहाँ बचे हुए चंद लम्हों को एक दूसरे की बड़ी बड़ी बाहों में बिता पाते। इसने कहा, मैंने नहीं। अरे फिल, तुमने पहले ही मुझे ये सब क्यों नहीं बता दिया? तो क्या बता देने से बात बन जाती है? वैसे दिख तो यही रहा है। हाँ, कमाल है।